सबसे पहले गैस ऑन करके रखेंगे कढ़ाई और 2 बड़े चम्मच डालेंगे रिफाइंड। जब रिफाइंड गर्म होगा तभी इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी हींग, 1/4 टेबल स्पून जीरा और दोनों को चटका लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी प्याज कटी हुई और इसको गुलाबी होने तक हम भून लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च कटी हुई, 1 इंच अदरक ग्रेट की हुई और 2 बड़े टमाटर। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच काला नमक। अब सारे मसालों को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि ये किनारों पर हमें अच्छे से इसका रिफाइंड दिखाई नहीं देने लगता है और सारे मसाले अच्छे से मैश नहीं हो जाते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुनने लगे हैं और रिफाइंड अच्छे से हमें दिखाई देने लगा है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कटोरी मलाई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे बॉइल्ड मशरूम, इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। किसी भी सब्जी को बनाने के लिए हमें मसालों को भूनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे मसाले अच्छे से भुने होंगे सब्जी हमारी तभी टेस्टी बनेगी। तो अब इसको हम जब तक भूनेंगे जब एक बार फिर से हमें किनारों पर रिफाइंड दिखाई नहीं देने लगेगा। हमने ये सब्जी बनाने के लिए 200 ग्राम लिया है राजमा और 100 ग्राम लिए हैं मशरूम। किनारों पर इसके रिफाइंड देने लगा है, इसका मतलब मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी। अगर आप कसूरी मेथी पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम राजमा, जिसको कि हमने पहले से उबाल के रख लिया था, और मशरूम को भी हमने उबाल लिया था। अब दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। और सर्दियों के मौसम में तो इस तरह की सब्जियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, मशरूम भी फ्रेश मिलते हैं। सब्जी हमारी अभी बहुत थिक हो रही है तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 गिलास पानी। नमक भी बता दूँ, नमक भी हमने इसमें उबालते हुए डाल लिया था, बस मसाले के हिसाब से हमने थोड़ा सा काला नमक डाला है। अब इसको हम बॉयल होने देंगे। सब्जी हमारी बॉयल होने लगी है तो अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया। एक बार मिक्स कर लेंगे और अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और गर्म गर्म इसको सर्व करेंगे। आप इसको रोटी, पराठे या चावल किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएँ। थैंक यू।